This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Fabric Spa, Millennium Menswear and by Edify International School. Muslim Hostel Madina Building ki haqeeqat. Funds rehte bawajood kyun nahi ho raha hai development? Marhum Haji Haider Saab ki waqf ki hui property aaj hai sawal par. Masjid Haider mein hui ek public meeting jisme shamil the CM Ibrahim, Ilyas Seth aur shahar ke kai zimmedar. आइए सुनते हैं उन्हीं के खानदान की फर्द हैदर आदिल की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, मैं मोहम्मद हैदर आदिल रहमान, जो अहले ख़ानदान जनाब हाजी हैदर साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी आप लोगों से ये अपील है कि मुस्लिम हॉस्टल जो कि हाजी हैदर साहब ने 70 साल पहले कौम व मिल्लत का सोचते हुए और अपने मुसलमान कौम के बारे में फ़िक्र करते हुए इस जायदाद को राह-ए-लिल्लाह में वक्फ किया था, आज उसका इस्तेमाल उनके मकसद के तहत नहीं हो रहा है। आज इस पर मैं उनका अहले ख़ानदान होने की हैसियत से आज इस बात पे पुरजोर एहतजाज करना चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए से और इस चीज़ के ज़रिए से कि इस मामले पे गौर व फिक्र किया जाए कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट रुका हुआ है और औकाफ की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है जनाब मुनवरुद्दौला साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के एस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन उनका ये हाल है कि हमने उनको बावजूद यहाँ पर बुलाने के वो यहाँ पर हाजिर नहीं हुए हैं। मैं उनसे और तमाम अहलियाने शहर से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में अपने आप को वॉलंटियरली इन्वॉल्व करें और इस मामले में हमारा साथ दें। ये मामला कोई एक किसी की जाति जायदाद का मामला नहीं है या किसी की जाति यहाँ पर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, ताकि यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल में खुसूसन यहाँ पर जो है कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो और ताकि यहाँ पर जो है जिस मकसद के तहत हाजी हैदर साहब ने वक्फ किया था कि यहाँ पर जो है नेक काम हो और यहाँ पर गरीब बच्चों को जो तालीम के लिए शहर गुलबर्गा में आएंगे उनके लिए रहने की रिहाइशगाह बने, उस मकसद के तहत यहाँ पर काम किया जाए और यहाँ पर उनके सहूलतें को आरास्ता किया जाए। मगर चूंकि बदकिस्मती से जो वक्फ बोर्ड की और जो है पिछले जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं उनकी कोताहियों की वजह से इस प्रॉपर्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिनों में ये एक दीन का मरकज बने, इस्लामी सेंटर बने, जहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो IAS KAS जैसे यहाँ से मुस्लिम बच्चे यहाँ से पास होकर के निकले यहाँ से रहते हुए। 1972 में जो है मैं इस बिल्डिंग में आया था, आज 2018-19 आया हूँ और उस वक्त के माहौल आज के माहौल में काफ़ी जो है तब्दीलियाँ हैं, देख के बड़ा रंज हुआ। जो साहब इसे वक्फ किए थे उनकी नीयत थी कि इसका फ़ायदा जो है कौम के गरीब बच्चों को पहुँचे और उनकी तालीम, निज़ाम, रहने का इंतज़ाम हो, लेकिन 70 साल पहले जो नीयत की थी उन्होंने वो आज जो है देखने के बाद दिल को बड़ा दर्द होता है। अगर यहाँ की इनकम को ही जो है अगर ठीक तरीके से अगर इस्तेमाल कर लें तो जो है कोई बच्चा 10 रुपये घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 साल 10 साल रह के जो है आराम से तालीम पा के यहाँ से जा सकता है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, रमज़ान के बाद मैंने हमारे जमील साहब के फर्जन हैदर से भी जो है मैं दरख्वास्त किया हूँ कि भाई बेंगलुरु को पूरा रिकॉर्ड लेके आए और जो है यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बिठाए हैं, हालांकि वक्फ़ुल अलल औलाद में बाहर वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन नहीं सकता, अब वक्फ के मिनिस्टर्स यहाँ के भी थे, वहाँ के भी थे, क्यों नहीं किए, क्या नहीं किए, इसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये काम जो है
ये कौम की मिल्कियत को बचाना, किसी वक्फ किए वाले वक्फ की नीयत को जो है उसको बरकरार रखना, ये आखिरत में मिलने वाली सबसे बड़ी दौलत है। रिकॉर्ड है, रीजनल कमिश्नर हर्ष गुप्ता साहब ऑर्डर भी दिए हैं सर्वे करने के लिए। इंशाल्लाह हम तमाम लोग मिलके वो जो आखाब की जो जायदाद है, जो लोग खाबिज हैं, उसको हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह बार को कहते हुए मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, हमें मुत्तहिद हो जाइए। यहाँ पर कोई ज़ाती मफाद नहीं है हमारा, कौम और मिल्लत के बारे में हमें काम करना है। हजारों तादाद में लोग यहाँ से इस्तफादा हासिल करेंगे और आईएएस केएएस जैसे हमारी कौम के अंदर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। लीडर के जैसा जुर्रत करके, हिम्मत करके अपने दादा जान की वसीयत को आज पूरी कौम को याद दिला। बर्ताव करो, अगर मुसलमान मुसलमान बन गया, उसको खराब हो गया है ना, उसका भाव आएगा हमारे अमान खराब होने की वजह से This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Fabric Spa, Millennium Men's Fair, and by Edify International School.